रीजनल न्यूज़ यूनिट की पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुबशिर रफाई का सलाम कबूल फरमाएं। नाजरीन, कोरोना की जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है जम्मू व कश्मीर में, तो उसके चलते हमने ये तय किया है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि प्रोग्राम हालात हाजरा के आजकल के शुमारों में हम कोविड पर ही बात करें, हमें किस किस्म की एहतियात बरतनी है और क्या इकदाम या इंफरादी सतह पर या इज्तिमाई सतह पर करने होंगे हमें ताकि इस सूरत हाल को काबू किया जा सके। तो नाजरीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे में भी इसी पर बात होगी। चिनाचे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसेस में काफ़ी तेज़ी आई है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 100 योमिया तादाद हुआ करती थी और यह हिंदसा अब 1000 के पार हो गया है, जैसा कि हमने देखा कल भी। नाजरीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे में हमारे साथ रहेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के शोबाई चेस्ट मेडिसिन के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब। आप चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में इस वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं प्रोफेसर की हैसियत से, और आज के शुमारे में हम इनसे बात करेंगे। चनाचे ओमिक्रॉन की भी तस्दीक हुई है, अब जम्मू व कश्मीर में चंद मामला सामने आए हैं और कोविड की मौजूदा सूरत हाल के चलते क्या ये वाकई तीसरी लहर का हम मुकाबला कर रहे हैं, क्या ये तीसरी लहर की दस्तक है? तो इन मौजूदात पर बात होगी, इन्हीं सवालात पर बात होगी। तो प्रोग्राम में आगाज करते हैं इस बात से कि हम पहले डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। चिनाचे जो हमारे कल ही यहाँ पे खबर आई कि ओमिक्रॉन के चंद एक केसेस की तस्दीक हुई है शुमाली कश्मीर में, जनूबी कश्मीर में, तो इस सूरत हाल को देखते हुए हमें किस किस्म की एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, जो ओमिक्रॉन है ये कोई ऐसी कोई नई भला नहीं है जी, ये वही वायरस है, उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है। बीमारी वही है, वायरस वही है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है। एहतियाती तदाबीर जो है वो लेने जो हम पहले ले रहे थे तो वही इस टाइम भी लेने हैं इस वायरस के अगेंस्ट भी। हाँ, इसमें जो है थोड़ी सी हम जो अभी तक जहाँ जहाँ ये शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका में पहले पाया गया, फिर बाकी ममालिक में ये आ गया, यूके में इसने काफ़ी नंबर ऑफ केसेस देखने को मिले। इस वजह से इसकी एक प्रॉपर्टी जो हमने देखी है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, ट्रांसमिसिबिलिटी फैलता बहुत तेजी से। बिल्कुल, जिसकी जो जो हम आर नॉट फैक्टर की बात कर रहे थे पहले कि एक बंदा कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो एज कंपेयर टू प्रीवियस वेरियंट्स, वो डेल्टा हो या बाकी कोई जो भी वेरिएंट हो, उससे हमने देखा कि उससे जो इन्फेक्टिविटी पावर इसका है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स डिटेक्ट होने की तादाद जो है वो बहुत हाई है, एक्सपोनेंशियली। यानी कि एक दिन हमने 400 केस देखे, दूसरे दिन 1000 हो गए, तीसरे दिन 4000 हो गए, ये एक्सपोनेंशियली राइज हो रहे हैं, बहुत तेजी के लेकिन साथ एक चीज इसमें जो हम देखने को मिला है कि अभी तक जहां पे भी देखा गया सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो है या हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेरियंट्स जो है जो डेल्टा वेरियंट वगैरह थे। डॉक्टर साहब, जो डेल्टा वेरियंट से अभी तक हम जूझ रहे थे, अब ओमिक्रॉन सामने जो आया है, तो क्या इसमें अलामत भी वही हैं जो पहले थे या इसमें कुछ अलामत में कुछ फर्क है, कुछ सिम्टम्स कुछ डिफरेंट? देखिए, वायरल डिजीज जो है इसमें ऑलमोस्ट अलामत जो है ऑलमोस्ट सेम होते हैं जी। अब ये देखें कि मतलब बुखार होना, खांसी होना, जुकाम होना, गला खराब होना, पूरे बदन में दर्द, ये कॉमन सिम्टम्स हैं हर किसी वायरल डिजीज के जी। पिछली वेरिएंट्स में हमने देखा कि इसमें लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल या लूज मोशंस जो है वो भी इसमें जो स्पेसिफिक थे थोड़े बहुत, लेकिन अभी तक जो देखने को मिला है कि ओमिक्रॉन की वजह से जो है ज्यादातर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिले, गले वगैरह में खराश, बिल्कुल गले में खराश, जुकाम होना या पूरे बदन में दर्द या बुखार आना, ये सिम्टम्स हम ज्यादातर देख रहे हैं अभी तक, या पूरे बदन में दर्द जो है काफी, मतलब मैक्सिमम पेशेंट जो कंप्लेंट करने हैं उनकी यही है, बॉडी एक काफी कॉमन कंप्लेंट है। तो इस वजह से जो हम देखें, लेकिन अलामत तो देखिए मैक्सिमम पेशेंट्स तो वैसे ही हम देखते हैं कि पॉजिटिव आते हैं, अलामत कुछ नहीं होते हैं, तो मैक्सिमम पेशेंट्स तो एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं जिनमें जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो ठीक अगर वो कुव्वत मुदाफत ठीक हो, बिल्कुल, तो सिम्टम्स बहुत कम होती हैं। डॉक्टर साहब, अभी जब जो हम कोरोना के लिए टेस्टिंग का जो प्रोसेस है, या तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं और कॉमनली
ज़्यादा अगर ज़्यादा शोर होना हो तो हम रियल टाइम पीसीआर करते हैं, तो इसके लिए क्या टेस्टिंग प्रोसेस है ओमिक्रॉन का अगर हमने श्योर करना हो कि? देखिए, जो टेस्टिंग तो सेम है वायरस के लिए, इसमें भी रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो टेस्ट करते हैं, या आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं, या सीबी नेट ट्रू नेट जो मॉलिकुलर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो यही दो टेस्ट होते हैं इसके लिए डिटेक्ट होने के लिए भी। लेकिन अब कौन सा वेरियंट है वो देखने के लिए जीनोमिक सिक्वेंसिंग होती है जी, वो उसकी तो लैब यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो यहाँ पे हमें सस्पेक्ट केसेस लगते हैं तो वो सैंपल जो है वो जो डेजिग्नेटेड लैब्स हैं तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे इनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है, तो उससे हमें कंफर्मेशन होता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। जी लेकिन ये एक पेशेंट के लिहाज से या डॉक्टर के लिहाज से उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जी क्योंकि कोविड अगर पॉजिटिव आ गया तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि एहतियाती तदाबीर या ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट यही सेम सवाल है। मेरे जहन में आया था कि हमने जो वेरिएंट हमने अगर देखना है, या डेल्टा है, ओमिक्रॉन है, या कौन सा भी वेरिएंट है, तो इलाज पर या एहतियात पर क्या फर्क पड़ता है? हमें क्यों ये श्योर करना है कि ये कौन सा वेरिएंट है अगर इलाज सेम है? देखिए ये एपिडेमियोलॉजिकल देखना होता है कि इस टाइम कौन सा वेरिएंट हमारे में ज़्यादा पाया जा रहा है जी एक बार, क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि इसकी इन्फेक्टिविटी कितनी है, कितना ये स्प्रेड हो सकता है, कितना एक सीवियर डिजीज कॉज कर सकता है। एक इंफरादी पेशेंट के लिए ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना कि उसमें से कौन सा वेरियंट ये है। हेल्थ सर्विसेज की जो मैनेजमेंट लेवल है उसके बिल्कुल लिए जरूरी होगा बिल्कुल फिर। एपिडेमियोलॉजिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, ताकि पूरी तैयारी रहे कि हम किससे जूझ रहे हैं और कितनी हमें रिक्वायरमेंट है, बेड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर स्टाफ की कितनी रिक्वायरमेंट है। उस लिहाज से ये बहुत जरूरी है जानना कि कौन सा वेरिएंट इस टाइम किससे हम सामना कर जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने फरमाया आगाज में कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम जरूरत पड़ती है, लोग घरों में ही आइसोलेशन में रहें तो ठीक हो जाते हैं। पहले हम ये कहते थे कि कोरोना के लिए कम से कम 14 दिन का क्वारंटीन करना होगा, तो ओमिक्रॉन के लिए क्या सूरत हाल है? देखिए अभी जो नई सीडीसी गाइडलाइंस आई है या जो हमारी आईसीएमआर की जो हमारे मुल्क की बॉडी जो है जो उन्होंने गाइडलाइंस नई इजरा की है, उसके हिसाब से अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है और माइल्ड डिजीज में मुबतला है उसके लिए आइसोलेशन पीरियड जो है आईसीएमआर के हिसाब से अब एक हफ्ता है। उसके बाद अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उसके बाद उसको टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है जी ये देखने के लिए कि वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसके बाद जो इसका इन्फेक्टिव होने का चांस जो है वो बहुत कम होता है। जी तो उसके अलावा जो बाकी जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं तो उनका रेगुलर टेस्टिंग होती है जो सीवियर डिजीज में मुबतला होते हैं, बिफोर डिस्चार्ज एक क्लिनिशियन जो उनको ट्रीट कर रहा है बेस्ड अपॉन हिज डिसीजन वो टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो इस टाइम सीडीसी की गाइडलाइंस उन्होंने तो सिर्फ 5 दिन तक इसको महदूद किया है, लेकिन जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से है उसमें आइसोलेशन पीरियड जो है एक वो हफ्ते। एक हफ्ते तक का मुकर्रर किया गया है अभी। जी डॉक्टर साहब, हम जब कोविड पेशेंट्स को आइसोलेट करते हैं तो कभी कभी उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है, और घर में हम जब ऑक्सीजन लेवल उनकी मॉनिटर करते हैं तो अगर हमें लगता है कि ये कम हो गई है और डॉक्टर से मशवरा करने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो क्या अगर ओमिक्रॉन का वेरियंट किसी पेशेंट के अंदर हो तो उसमें भी ऐसा ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की किस सूरत में जरूरत पड़ती है? देखिए अभी तक जो हमने देखा था जो डेल्टा वेरिएंट के टाइम था उसमें हम देख रहे थे कि अराउंड 20-25% जो पीपल है जो पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव होते थे उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती थी। जी लेकिन अभी तक जो हमारे पास जो डाटा अभी तक अवेलेबल है उसमें हमने देखा है कि ओमिक्रॉन में जो है उसमें 5-10% खाली पेशेंट वो होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब अगर 5-10% तो है, लेकिन ये हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ये हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जी अगर डेल्टा के वेरिएंट के टाइम हमारे पास 1000 पेशेंट्स होते थे तो 1000 में से 200 को करीब एडमिट होते थे, जी लेकिन जितनी इन्फेक्टिविटी इसमें पाई गई है अगर ये 10,000 की जगह 1,00,000 पेशेंट्स हो जाए, अगर उसके 10% ही देखे तो वो 1,00,000 पेशेंट्स होते हैं जी, अगर एडमिट, तो नंबर के तो हिसाब से तो ज्यादा लगेगा नंबर हमें। के हिसाब से तो हमारे हॉस्पिटल एडमिशन जो है अगर हम नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा बढ़े जी तो हो सकता है परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कम हो लेकिन एब्सोल्यूट नंबर जो है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। जी इसीलिए एहतियाती पढ़ता है खेलता है झूलता
चलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तदाबीर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो हम ओवरऑल ओमिक्रॉन को तो खत्म तो कर नहीं सकते, ये इनेविटेबल है, इन्फेक्शन होना है और हर किसी को होने का खतरा है। तो इसलिए जितने हम नंबर ऑफ केसेस को लिमिट कर सकते हैं उतने हम नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस लिमिट कर सकते हैं और उतनी मोर्टैलिटी कम होने का चांस है। इसलिए ये डिसमिस करना कि ये जी माइल्ड सा वेरिएंट है, ये सॉर्ट ऑफ ए कॉम्प्लेसेंसी आ जाएगी हर किसी में कि ये शायद माइनर डिजीज है, लेकिन तो जो में कोई जी बिल्कुल एहतियाती तदाबीर लोग छोड़ देंगे और उसमें वही फिर खतरे में लाहक होगा जो फिर इसमें सीवियर डिजीज में फंस सकता है, क्योंकि हमने काफी जगह देखा कि ओमिक्रॉन की वजह से भी डेथ्स हुई है। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी बातों में कहा कि किसी को भी हो सकता है, खतरा हर किसी को है। कुछ जो अभी तक दो वेव्स हमने देखी जिनका हमने शिद्दत के साथ सामना किया, तो कभी किसी वेव के दौरान हमें यह बताया गया कि बुजुर्गों को हो सकता है, जो एज्ड हैं उनको हो सकता है, या जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं पहले से उनको हो सकता है, जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हूं, या फिर बताया गया था कि तीसरी लहर आएगी तो बच्चों को हो सकता है। ओमिक्रॉन के ताल्लुक से क्या एज का कोई इसका रिलेशन है? देखिए, कोई सा भी वेरिएंट जो है ये किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को नहीं देखता है जी। वो फर्स्ट वेव हो, डेल्टा वेव हो, या थर्ड वेव की ओमिक्रॉन की बात करें, इनफेक्ट कोई भी हो सकता है, बच्चा, बुजुर्ग, जवान, जो भी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ये है कि सीवियर डिजीज में कौन मसला हो रहा है, नमूनिया किसको हो रहा है। फर्स्ट वेव में हमने देखा कि ज्यादातर पेशेंट्स वो थे जो 50-60 की उम्र से ज्यादा के थे जी। और जो कोमॉर्बिडिटीज में थे। लेकिन सेकेंड वेव में हमने देखा कि उसमें इन एडिशन टू जो फर्स्ट वेव थे, जो जवान भी है वो भी सीवियर डिजीज में मुबतला हुए, उनको भी नमूनिया हुआ जी। और इस बार अगर ये वेरिएंट की बात करें तो अभी तक तो टचवुड हमारा जो सिनेरियो है उसमें देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन अभी काफी कम है, तो लेकिन अगर ये माइल्ड वेरिएंट है तो ज्यादातर चांस वही है कि ये टारगेट उनको कर सकता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, जो एल्डरली होंगे, जो अनवैक्सीनेटेड होंगे, उनमें ज्यादा खतरा है। क्योंकि हमने काफी देखा कि ड्यूरिंग पोस्ट सेकेंड वेव जो लोग वैक्सीनेटेड थे तो उनमें काफी, हालांकि पॉजिटिव होने का चांस उनमें भी है, लेकिन डिजीज की शिद्दत जो है वो उनमें कम पाई गई। जो भी हमारे पोस्ट सेकेंड वेव हॉस्पिटलाइजेशन थी, या तो वो अनवैक्सीनेटेड थे या तो वो सिंगल डोज वैक्सीनेटेड थे। तो वैक्सीनेशन जो है वो डेफिनेटली हमें हेल्प करता है अगेंस्ट सीवियर जी। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे ओमिक्रॉन के ताल्लुक से ही कि अभी जो इलाज वगैरह इसका किया जाता है कोविड का, कोरोना का, या डेल्टा वेरिएंट का, या दूसरे जो वेरिएंट थे, अब बहुत सारे लोगों को ये इलाज अजबर आप याद रखते हैं, आम लोग भी, कि कौन कौन सी दवाइयां खानी हैं। इसमें डॉक्टर साहिबान जो हैं वो अमूमन या तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीवायरल्स भी साथ में देते हैं, कभी कभी स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं, तो इसमें क्या यही तर्ज इलाज रहेगा? और लोगों को इस वक्त ओमिक्रॉन के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर से मशवरा लेना कितना जरूरी है? देखिए, जो ट्रीटमेंट ऑफ कोविड जो है, हमारे पास 2 साल हो गए, अभी तक हमारे पास कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है जी। जो हम कह सकते हैं कि ये किसी भी वेरिएंट के लिए एक डेफिनेट ट्रीटमेंट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कोविड के लिए दवाइयां दी जाती हैं वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होती है? देखिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए तो है ही, जैसे खांसी के लिए हम दवाई दें, फीवर के लिए दवाई दें, वो तो सिम्टोमेटिक रिलीफ हो गया। लेकिन जो भी बाकी जो ट्रीटमेंट्स जो चल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीवायरल्स हो, या कोई एंटीबायोटिक्स हो, बाकी कोई स्पेसिफिक जो दवाइयां दी गई थी, दे आर ऑल एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज और जिनका शॉर्ट टर्म रिसर्च के बेसिस पे बेनिफिट देखा गया है। इन सब ड्रग्स को जो है इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज, जो लाइसेंस मिलती है वो FDA के थ्रू हो या हमारे जो मुल्क में है DGCA के थ्रू अप्रूवल मिलता है कि आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ICMR की गाइडलाइंस आती हैं कौन कौन सा, उनकी तरफ से जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया जाता है। बाकी जो है जो एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज हैं उन पे ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट्स कंसेंट कि जी मैं तैयार हूं ये ट्रीटमेंट लेने के लिए, हालांकि इसका हमें कोई ठोस सबूत नहीं होता है
कि ये ट्रीटमेंट जो है ये यही ट्रीटमेंट है जी फायदा देगा। देखिए बाकी जो जैसे स्टीरॉयड्स की बात करें, हर किसी पेशेंट को स्टीरॉयड की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसको नमूनिया है, उन्हीं पेशेंट्स में जो है वो स्टीरॉयड्स यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी पेशेंट को इनिशियल फर्स्ट वीक में स्टीरॉयड्स दिए गए तो वो उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं, उससे उनका वायरल लोड बढ़ सकता है। इसलिए जो भी ट्रीटमेंट जो भी ये नुस्खा ऐसे नहीं चलना चाहिए कि किसी डॉक्टर साहब ने किसी को ये एडवाइस कर दिया तो उसने पूरे बाकी लोगों को या जान पहचान के लोगों को ये बता दिया। बेहतर यही रहेगा कि अगर वो जो भी हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं जहाँ पर डॉक्टर साहिबान या कंट्रोल रूम से जो भी कोई किसी को प्रॉब्लम होती है उनसे राबता कायम करें, या वहां से तो कंट्रोल रूम से तो ऑलरेडी फोन आता ही है जो भी पॉजिटिव होता है पेशेंट, तो उनसे पूछा जाता है कि आपके क्या क्या बीमारी की अलामत है, आपकी क्या क्या कोमॉर्बिडिटीज़ है, तो आप घर पे आपको आइसोलेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसी के हिसाब से उनको किट वगैरह दिया जाता है। तो अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है, कोमॉर्बिडिटी है, तो उनको फिर अस्पतालों में शिफ्ट किया जाता है। इसलिए खुद ही ट्रीटमेंट लेना जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी जो एक दो रोज से हमारे यहाँ अदाद शुमार आ रहे हैं कोविड के ताल्लुक से, तो हजार का हिंदसा तो हमने पार कर लिया है यौमिया तादाद जो है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये तीसरी वेव की दस्तक है या हैज इट ऑलरेडी सेट इन? देखिए ये तो एक्सपर्ट्स का मानना था ही कि थर्ड वेव इन द ऑफिंग है। देखिए अगर आप पहले दो वेव्स की ट्रेंड की बात करें तो हमने देखा था कि जैसे हमारे जो मेट्रोज मेन सिटीज हैं जहां पे लोगों का आमदरफ्त काफी ज्यादा रहता है तो वहीं से स्टार्ट होता है। साउदर्न स्टेट्स में देखा, केरला, महाराष्ट्र, तो इस बार भी हमने देखा कि मतलब महाराष्ट्र दिल्ली में एक्सपोनेंशियली वहाँ पे कितने केसेस इंक्रीज हो गए, तो पॉजिटिविटी रेट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि उसके बाद जो है ये पूरे मुल्क में जो है ये फैलने का खतरा है। तो ऑब्वियसली ये मैं तो थर्ड वेव का नाम ही दूंगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अब इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए 200 से 500 हो गए, 500 से 1000 हो गए, और मतलब अगर हम एहतियाती तदाबीर ना ले और एक्सपेक्टेड है कि अगले एक दो हफ्ते में ये नंबर ऑफ केसेस और भी इंक्रीज हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी जब हम सेट पे बैठ ही रहे थे तो आपका फोन भी चालू था, आप बहुत सारे लोगों को अभी कंसल्टेशंस भी दे रहे थे फोन पे, और आपने बताया कि बहुत सारे पॉजिटिव्स भी आ रहे हैं, और वो तो बहरहाल जो नंबर्स हमारे आ रहे हैं तो उसके लिए भी दैट फिट्स इन देयर। अब कोविड पॉजिटिव या ओमिक्रॉन पॉजिटिव आने के बाद किस किस्म की एहतियाती तदाबीर करती चाहिए लोगों को? देखिए सबसे पहला ये है कि अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो पहले टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो आइसोलेट हो जाए, कम से कम लोगों से मिले, एहतियाती तदाबीर कंटिन्यूसली ले, ताकि वो जो है वो एक खुद तो पॉजिटिव है ही, वो और बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व ना करे। अगर आइसोलेशन फैसिलिटी है घर पे तो ज़्यादा बेहतर है कि घर पे ही रहे अगर ये सिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक है। अगर आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है तो जो भी आइसोलेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं तो वहाँ पे रजू करें और वहाँ पे एडमिट हो जाए। अक्सर मैं ये कहूँ कि इस टाइम जो हम देख रहे हैं, जैसे हमने डेल्टा वेव में देखा था कि क्लस्टर्स में केस आ रहे हैं, एक अफराधी खाना अगर पॉजिटिव हो रहा है तो हम देख रहे हैं तो कुछ दिनों में पूरी फैमिली की फैमिली पॉजिटिव आ रही है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि इन्फेक्टिव पावर जो है इसका वो काफी ज्यादा है जी। तो इस वजह से अगर सब लोग घर पे पॉजिटिव है तो अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है तो उसको अस्पताल में शिफ्ट करें, बाकी जो है पॉजिटिव पेशेंट्स जो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है वो घर पे ही रहे। और पॉजिटिव जो है अगर दो लोग तीन लोग पॉजिटिव है तो वो एक कमरे में रह सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अगर घर में बाकी जो नेगेटिव है उनको अलग अलग से आइसोलेट करें। क्योंकि अगर वो नेगेटिव वाले सब एक कमरे में रहे तो एक उनमें, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड की बात होती है, कोई दो दिन के बाद, कोई छह दिन के बाद पॉजिटिव हो जाता है, तो अगर वो एक ही कमरे में रहे, दो लोग, एक बंदा उसमें से चार दिन के बाद पॉजिटिव हो गया तो वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर लेगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो नेगेटिव लोग हैं घर पे उनको अलग अलग से आइसोलेट किया जाए। जी डॉक्टर साहब, जिमनन मेरे जहन में एक बात आई, आजकल जो मौसम है हमारा सर्दी का मौसम है, चिले कलान है, तो मौसमी बुखार, नजला, जुकाम, खांसी वगैरह ये तो रहता ही है, तो किसी खास आदमी को
कब पता चले कि मुझे टेस्ट करवाना चाहिए, या बहुत सारे लोग हैं जिनको हर साल जुकाम बुखार वगैरह इस मौसम में हो जाता है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल है डिफरेंशिएट करना कि ये कोविड इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या कोई इन्फ्लुएंजा है। तो ये टेस्ट ही एक साबित कर सकता है कि ये किस तरीके का इन्फेक्शन है। देखिए, जैसे हम विंटर्स में वैसे ही देखते थे कि जो ऑलरेडी छाती के अमराज में मुबतला होते हैं, जैसे अस्थमा पेशेंट हो, COPD पेशेंट हो, या बुजुर्ग है, बच्चे हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। तो जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं कि विंटर्स में इनकी इन्फेक्शंस जो है, अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है। सारे बुजुर्ग हमारे जो है अस्थमा वगैरह या ऐसी किस्म की बीमारियां उसमें मुबतला हैं, तो ये चीज़ें तो रहती हैं। बिल्कुल, ये तो विंटर में एक्सेसरबेट होती हैं। तो इस मतलब एक पेशेंट के लिए और इवन एक डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट करना कि ये कोविड का इन्फेक्शन है या नॉन कोविड है। तो ये तो एक टेस्ट ही साबित कर सकता है कि इसको किस तरीके का इन्फेक्शन है। इस किस्म की कोई भी शिकायत हो, कोई भी अलामत हो, जुकाम, नजला, खांसी वगैरह या बुखार, तो पेशेंट को, ये इस आदमी को टेस्ट करवाना ही चाहिए। बिल्कुल। और एक आम शिकायत हमारे यहाँ रहती है, एक आम मसला ये रहता है, शिकायत भी नहीं है, मसला है ये कि हम आजकल घरों में जब बैठते हैं, दफ्तरों में बैठते हैं, तो गर्मी का अच्छा खासा इंतजाम रहता है, बुखारियां चलती हैं या कूलर, ये हीटर्स वगैरह चलते रहते हैं, और अचानक से आप बाहर आ गए तो बहुत ज्यादा सर्दी है, माइनस टेम्परेचर है, एक एक्सपोजर हो जाता है, सर्दी लग जाती है, इस सूरत में भी बुखार आ जाता है या कभी कभी जुकाम हो जाता है, तो उसको क्या ये समझ ही लें कि ये एक्सपोजर हो गया है, कोई मसला नहीं? नहीं, देखिए, अक्सर हम देखते हैं अभी किसी को भी अगर कोविड टेस्ट, कोई भी पेशेंट OPD में आता है तो उसको हम एडवाइस करते हैं कोविड टेस्ट आप करा लीजिए। जी। लेकिन पेशेंट अक्सर एक डिनायल फेज में रहता है, तो वो एट्रीब्यूट करता है ये कि मैंने कल क्या खाया था, मैं कल कहाँ गया था, मैं कल किससे मिला था, तो अक्सर वो कोविड को छोड़ के उस चीज के अगेंस्ट एट्रीब्यूट करते हैं उस चीज को। नो डाउट ऐसा होता है, जैसे अगर कोई एब्रप्टली एक वार्म क्लाइमेट से कोल्ड क्लाइमेट की तरफ आता है तो उसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि स्पाज्म एक डेवलप हो जाए या दे बिकम ऑटोमेटिकली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। जी। तो इन्फेक्शन ही होता है, तो इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, या अगर कोई एलर्जिक पेशेंट है, एलर्जी की वजह से उसके सिम्टम्स आ सकते हैं अगर वो एब्रप्टली एक कोल्ड क्लाइमेट में चला गया, तो उस टाइम भी ये बहुत ही मुश्किल है डिफ्रेंशिएट करना कि ये इन्फेक्टिव है, एलर्जिक है, या बैक्टीरियल है, वायरल है, तो इसको टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी सिम्टम इस किस्म की सूरत हाल का या हालत महीने में 2-3 बार पैदा हुए तो क्या उसको 3 बार टेस्ट कराना चाहिए? ये बहुत ट्रॉमा एक हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि डिनाइल मोड में रहते हैं पेशेंट। नहीं, देखिए, टेस्ट तो आप देखिए कितनी इंसिडेंसेस हुई, जब एक पेशेंट ने एक दिन टेस्ट कराया तो नेगेटिव था, दूसरे दिन कराया तो पॉजिटिव था, तो चौथे दिन कराया तो और नेगेटिव था। तो ये टेस्ट जो है, वी हैव टू बिलीव द पॉजिटिव टेस्ट। देखिए, कभी भी कोई भी पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी कोई भी पेशेंट नेगेटिव हो सकता है। एक टेस्ट की अपनी सेंसिटिविटी भी होती है, जैसे हम रैपिड की बात करें तो उसकी सेंसिटिविटी मे बी 40-50% हुई, यानी कि वो 50% केसेस को मिस कर सकता है। इवन अगर RT-PCR की बात करें तो उनमें भी 70-75% उसकी सेंसिटिविटी है, यानी कि 20% या 30% जो कोविड पॉजिटिव होंगे वो भी मिस हो सकते हैं। जी। तो ये क्लिनिकल सिम्टम्स भी, ये एक कलेक्टिव चीजें देखनी होती है, एक पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, उसका बाकी टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या है, या बाकी जो रेडियोलॉजिकल फीचर्स किसी में होते हैं जो टिपिकल होते हैं वायरल नमूनिया के, इसलिए ये हमें देखना है कि एक कलेक्टिव चीज, अगर डॉक्टर साहब ने उनको 4 दिन के बाद बोला कि फिर से टेस्ट करा लिए तो उनको डॉक्टर साहब का डिसीजन मान के वो चीज पे अमल करनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, अब चुनाचे एहतियाती तदाबीर की जो बात आती है तो हम आम लोगों को यही मशवरा आपका जो रहता है, साइनसी मशवरा, तिबी मशवरा, कि वो मास्क पहने, हाथ मुंह साफ रखें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तो इस पर ये एक बेसिक रूल बन गया है अब हमारी लाइफ का। अब मास्क के ताल्लुक से बहुत सारे लोग गफलत बरतते हैं और कहते हैं कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और ओमिक्रॉन के ताल्लुक से तो लोग अब ये भी कहते हैं कि ये मास्क का लिहाज भी नहीं करता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो वही है, इन्फेक्टिव पावर काफ़ी ज़्यादा है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन मास्क जो है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव है जी। क्योंकि देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है या तो खांसी स्नीजिंग किसी ने कर ली और आपके सामने है तो वो अंदर वायरस चला जाएगा, जाएगा तो कहाँ से, या नाक से जाएगा या मुंह से जाएगा अंदर जी। तो अगर आपने मास्क सही से पहना है यू आर प्रोटेक्टेड जी। दूसरी चीज़ अगर किसी ने खांसी या छींक मारी तो कहीं पे भी टेबल पे कहीं पे वायरस गिर गया, आपने हाथ लगाया आपके हाथ में आ गया वायरस, तो अगर आपने यही हाथ अपने नाक और मुंह की तरफ ले लिया तो आप इन्फेक्टेड हैं। तो अगर आपने मास्क पहना है ऑब्वियसली आप जो हाथ जो है वो आप मुंह और नाक की तरफ टच ही नहीं कर सकते जी। तो अगर वायरस है हाथ पे ही है ये आपके अंदर नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस आप वहाँ उस जगह को टच करेंगे जी। तो उसके बाद अगर हमने सैनिटाइजर यूज कर लिया और हाथ पे अगर वायरस था भी आपका वायरस जो है वो हाथ पे ही खत्म हो गया, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत कम हो जाएगा जी। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा सैनिटाइजर ही, सिंपल सोप से वॉश किया हाथ आपका वायरस खत्म जी। हम लोग 6 फुट की दूरी पे हैं, अगर आपने खांसी भी की बहुत कम चांस है अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो मुझे ये लग जाएगा वायरस वहां तक पहुंच जाए। तो ये तो बेसिक रूल्स हैं, ये एटिकेट्स हैं, इस टाइम ये मौके की नजाकत को देख के हमें इस चीज को फॉलो करना है जी। एक मेजोरिटी पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक ही ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उनसे पूछिए जो इस बीमारी सीवियर बीमारी में मुबतला हुए हैं जिनका कोई अपना उन्हें खोया है बिकॉज ऑफ डिजीज, वो इसी कदर जानता है। और डॉक्टर साहब मास्क के ताल्लुक से एक और बात आप क्लियर कर दीजिए कि कौन सी मास्क एक आम आदमी को लगानी चाहिए जो अपने घर में हो दफ्तर में हो या दुकान में हो कारोबार में हो। N95 मास्क है, कपड़े का मास्क है, सर्जिकल मास्क है, तो बेहतर कौन सा रहता है? देखिए ये लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, अब अगर आप कोई भी मास्क पहने तो वायरस तो बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है लेकिन स्प्रेड यूजुअली एरोसॉल से होता है, तो आप कोई भी मास्क पहने समथिंग इज बेटर देन नथिंग नो डाउट। अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट की तामीरदारी कर रहे हैं या कोई हेल्थ केयर वर्कर है वार्ड्स में काम कर रहे हैं या वार्ड्स ज्यादा प्रिकॉशन लेना, ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है, उनके लिए मैंडेटरी है N95 मास्क या सर्जिकल मास्क जो होता है जो ट्रिपल लेयर हमारा मास्क होता है वो भी अच्छी खासी प्रोटेक्शन देता है, दैट कैन बी यूज। डॉक्टर साहब हमारे पास वक्त कम ही बचा है, मैं आखिर में आपसे जो वैक्सीन है उसके ताल्लुक से जानना चाहूंगा कि अभी सरकार की तरफ से गाइडलाइन चाहिए हैं कुछ लोगों के लिए, मखसूस ग्रुप्स के लिए बूस्टर डोज की, और बाकी लोगों ने जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो क्या मैसेज रहेगा? देखिए मैं यही कहूंगा कि अगर हमें इस वबा से बाहर निकलना है तो वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है यही दो चीजें हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम इस वबा से निजात पा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिहाज से मैं ये कहूंगा कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या जो पहले फेज में हमने वैक्सीनेट किए थे 60 साल की जायद की उम्र के या कोमोरबिडिटीज में जो मुबतला थे उनकी वैक्सीनेशन क्योंकि एक साल पहले हुई थी तो जिनके 9 महीने हुए हैं तो वो सामने आ जाए और अपना बूस्टर ले लें, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा। और साथ में जो है जो बच्चों की वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू हुई है जिसमें 15 साल के जायद की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट करना है वो भी सामने आ जाए तो यही वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो तभी हम आगे जाके जो है हम स्कूल्स वगैरह जो खोलने का सोच सकते हैं कि मार्च के बाद हम स्कूल उसके बाद खोल सकते हैं अगर ये बच्चे खुद को वैक्सीनेट करा जी। और डॉक्टर साहब एज इन कैपेसिटी ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन आप सीडी हॉस्पिटल जो कि एक डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल है कोविड के लिए किस किस्म की तैयारी है अगर खुदा न खास्ता ओमिक्रॉन के ज्यादा केसेस आते हैं? देखिए हमने जो है हमारे अलावा बाकी बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं जो डिजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं वी आर रेडी टू मीट एनी इवेंचुअलिटी। हालांकि इस टाइम हम देख रहे हैं कि अभी हमारा हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना हमने डेल्टा वेव में देखा है, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की अगर केसेस बढ़ेंगे तो इम्कानात हैं कि हॉस्पिटल भी भर सकते हैं। अभी सेकेंड वेव की बात करें जहां पे हमने देखा कि बाकी शहरों में ऑक्सीजन पे मारामारी हुई लेकिन शुक्र यहाँ पे जो है हमारे जो कश्मीर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं रहा जिसको बेड नहीं मिला किसी भी अस्पताल में या किसी को ऑक्सीजन की किल्लत हुई जी। तो हमारी तो पूरी यही कोशिश रहेगी कि हम गियर्ड अप हैं कोई भी इवेंचुअलिटी फेस करने के लिए, लेकिन लोगों का भी फर्ज है कि वो एहतियाती तदाबीर जो है बिल्कुल, जो उस पर अमल करें ताकि कोई हेल्थ केयर पे ज्यादा उतना ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े जो जिसको वो
फिर आउट ऑफ गियर हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी बात कर सकते थे लेकिन वक्त की तंगदामनी की वजह से प्रोग्राम को यहीं पे समेटना होगा। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आजकल की आज की इस बातचीत में हमें यही पता चला कि कोविड का अभी कोई डिफिनिट इलाज है ही नहीं। जो भी है सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है, लेकिन बेहतर यही है कि हम एहतियाती तदाबीर अपनाएं और सूरत हाल को काबू में करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, अपने फराइज निभाएं। प्रोग्राम के आज के शुमारे में इतना ही। आज के शुमारे से पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहा पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बालकनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। रिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।